तो इसी हलवाई बाजार में नथु स्वीट्स के अंदर मैं बेबाकी से घुस गया। समोसे का साइज मंजला है, मेरे हथेली से आप अंदाजा लगाइए 440 आएंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को 100 साल से मुंह मीठा करा रहे हैं। तो ये गरम गरम जलेबी, क्या नाम है आपका? दीपक, तुमसे तो बात करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। भारी भरकम सी प्लेट है, काबुली चने इन्होंने बना रखे हैं। सब धर्मों का एको मरम, मानव सेवा परमो धर्म। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू जमाना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स। बात यह है कि हमारा काम है जगह जगह घूमना और आपके लिए अच्छे अच्छे जायके तलाश करके आप तक पहुंचाना। इस तलाश में आज हम आए हैं अंबाला, बहुत खूबसूरत सा, बड़ा छोटा सा, बड़ा साफ सुथरा सा शहर। अंबाला का हम पहले एक वेडिंग फूड शूट करके आपको दिखा चुके हैं। बहरहाल आज होगी अंबाला में मुख्तलिफ जायकों की बात। उस जायकों में सबसे पहले नंबर इस वक्त हमारे पास है शंकर छोले। छोले बनाते हैं, उसमें कुलचा भिगो के खिलाते हैं, इनके छोले चावलों के साथ भी खाए जाते हैं। मेरे पीछे है अंबाला में, जैसे ही आप एंटर करते हैं शुरू में ही आपके इस्तकबाल के लिए शंकर छोले मिल जाएगा। शंकर छोले पे चलते हैं, देखते हैं क्या सादगियाँ आपके लिए परोस रहे हैं। आइए, आज हमारी पूरी गाइडेंस करेंगे नरेंद्र भाई। तो सागर वैष्णो ढाबा के ओनर हैं, आज हमारे साथ थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। पवन जी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये बिल्कुल आपने जम्मू की याद दिला दी। हमने जम्मू में भीगा कुलचा छोलों के साथ भी खाया और राजमा के साथ भी खाया। तो एक तो ये भीगा कुलचा हो गया, यही कुलचा तवे पे सेक के भी देते हैं और दूसरी आइटम चावल छोले। चावल 8 बजे शुरू करते हैं, 11-12 बजे तक रहते हैं। कल की तैयारी शुरू यहीं पे बनाते हैं, यहीं बनाते हैं। तो अभी क्या खिलाएंगे? भीगा कुलचा लगा दीजिए साहब। हमारे डैडी पहले करते थे। तो कितने साल हो गए इस काम को फैमिली में? 42-43 साल हो गए इसी जगह पे। इसी जगह 40 साल से इस छोटे से कोने में पवन जी के वालिद साहब ये काम किया करते थे। चंद सालों से पवन जी आ गए हैं। सूखा कुलचा, गीला कुलचा, छोले चावल, ये 3 आइटम्स हैं आपको यहाँ मिलेंगी। तो पवन जी हमारे लिए भीगा कुलचा लगा दीजिए और हम देखते हैं। बड़े मोटे मोटे से चने हैं इनके। हाँ, ये मटर वटर नहीं है, कुछ खास चीज़ है। अच्छा जी, तो आप बना रहे हैं पवन जी हमारे लिए? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये आया कुलचा, वाह भाई वाह। अच्छा, ये 10-15 मिनट भी होते होंगे बस? हाँ जी। क्या इस पे प्याज, थोड़ा सा अदरक। अरे यार क्या बात है। और ये आया नींबू, हो गई कंप्लीट। 60 रुपए की है, बड़ी भारी भरकम सी प्लेट है। इसमें कुलचा है भीगा हुआ इन्हीं छोलों में और ये छोले काबुली चने इन्होंने बना रखे हैं। लाल लाल सा कुछ मसाला है, ऊपर से प्याज डाली है, कटा हुआ अदरक डाला है। अंबाला में आज के दिन की ये शुरुआत है और ये पहली कोई आइटम हम अंबाला से आज खा रहे हैं। अंबाला का स्ट्रीट फूड हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। अच्छा है, मुख्तलिफ है। काबुली चने की जो सौंधापन है वो अपने इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं काबुली चना हूँ। मसाले में हल्की सी खटास है, स्पाइसीनेस है और ओवरऑल अच्छा है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जब खास तौर से किसी खाने पे नस्ल बदल जाए तो उसका जायका कमाल होता है। ये ज़बरदस्त है। इमली की चटनी की खटास है जो हल्की सी महसूस होती है। प्लेट को ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ कुलचे यहाँ सीखते हैं, कुछ कुलचे इस पिटारी के अंदर भीगे जाते हैं। बस यूँ ये काम चलता रहता है। सुबह 8 बजे से ये बाहर शुरू होती है और 11-12 बजे तक ख़त्म। नाश्ते नाश्ते का सीन है। तो जब यहाँ आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। ये सादा सी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी होती हैं। ये जायके आपको 5 स्टार्स में नहीं मिलेंगे, ये जायके आपको मिलेंगे इन पुराने लोगों के हाथों में जो आपके लिए जायके नस्लों से आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अपने शहर से बाहर निकलते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं। अंबाला में हूँ, सिविल हॉस्पिटल है और यहाँ पता लगा कि एक इस हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक कोने में खाना मिलता है, थाली मिलती है, 5 रुपए में मिलती है। कमाल है ये। कैमरा मोटा,
नमस्कार जी। सब धर्मों का एको मरम, मानव सेवा परमो धर्म। ये संस्था हमारी आस्था फाउंडेशन या सिविल हॉस्पिटल में पिछले 2.5 साल से सेवा दे रही है। यहाँ पर डेली खाना खिलाते हैं हम। यहाँ सुबह 11:30 शुरू होता है, 11:30 से 2 बजे तक चलता है। ये रोटी बनाने की मशीन है ऑटोमेटिक, जिसमें रोटी बनती है। वेरी गुड। लगभग 1 घंटे में 1000 रोटी बनती है। कैटल है ये, इसमें सब्जी बनती है इसके अंदर ऑटोमेटिक, चावल बनते हैं ऑटोमेटिक। वही वाह। तो चावल भी हाथ से नहीं बन रहे, मशीन हाथ से कुछ भी नहीं, प्रभु की कृपा है। बिल्कुल, रब का ही कर्म है कि लोगों से काम ले लेता है। आपसे काम ले रहा है वो। बिल्कुल, जरूरी था आप हलवा भी दें। ये हर मंगलवार को देसी का हलवा देते हैं और अच्छा। शुक्रवार को खीर। मैं जब आज अम्बाला के लिए चला था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसी एक खिदमत गुजार जगह को भी मैं शूट करूंगा। 5 रुपए की थाली हम लेते हैं, जरूर खाएंगे इस कैमरा पे। हम इस खाने को खाएंगे, रिव्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर आसपास के ITI के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के मरीज, उनके अटेंडेंट्स, 1000 से 1200 लोग रोज खाना खाते हैं। अरे क्या बात है, बहुत। और कोई छुट्टी नहीं आज तक। तो आप यहाँ टाइम लगाते हैं? हाँ सर, सेवा तो जरूरी है। ये तो परमात्मा की कृपा है, बहुत प्रभु बिल्कुल आशीर्वाद है उनका, जो उन्होंने हमें एक जरिया बनाया है। जरिया भी तो बनाते हैं ना किसी को। ये लीजिए मैडम, एक थाली का कूपन दीजिए हमें भी आप। थैंक यू। ये थाली मिल गई, यहाँ हम ये पर्ची दे देंगे पहले। ये लीजिए साहब, हमें थोड़ा कमी दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये आ गई रोटी, थोड़े से चावल, और जनाब ये लेंगे हम यहाँ से राजमा। बस सर थोड़ा ही दीजिए। और ये आ गया हमारा स्वीट डिश हलवा। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। तो देखिए, अगर आपको 5 रुपए में इज्जत के साथ खाना मिल रहा है ना, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजमा चावल है, एक वाला लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ऐसी चीज़ों को सराहा जाना चाहिए, ये कमाल है। आज पूरा दिन साथ रहिएगा, अम्बाला को अच्छा इतना स्थान लेंगे। स्टूडेंट्स भी आते हैं, मरीज भी आते हैं, मरीजों का अटेंडेंट्स भी आते हैं। सबसे मुश्किल चीज़ होती है जब आदमी का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, वो परदेश में हो, तो उसके लिए खाने पीने की दिक्कत होती है। एक अच्छा काम हो रहा है। तो अम्बाला सिटी से 10 किलोमीटर दूर इस खास जगह के लिए हम आए हैं। अम्बाला कैंट में खड़े हैं, गर्भपुरी वाला के बाहर बहुत भीड़ है, लोगों का एक हजूम है। और जब यहाँ तक आ रहे थे तो मैं सोच रहा था आखिर ऐसी क्या पूरी वाला है कि इतनी दूर लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा तो पता लगा कि कुछ ना कुछ खास है। बड़ी फूली फूली पूरियाँ बिक रही हैं। एक बार अंदर चलकर देखते हैं और इनसे बात करते हैं, अगर उनके पास थोड़ा वक्त होगा तो। आइए। चार सब्जियाँ, 2 पूरियाँ। हाँ जी। 40 रुपए? जी सर। क्या बात कर रहे हैं? अचार भी है। अरे वो सर, ये 45 साल हो गए, 45-46 साल। आपके फादर का लगाया हुआ है? हाँ सर। हाँ जी। तो ये शुरू से यही सौदा है यहाँ पर? चार तरह की सब्जी होती है सर। ये कद्दू है सर। अच्छा, कद्दू है। हाँ, ये चने होते हैं, देसी चना, और ये तरी वाले आलू है सर। इन ड्राई आलू होते हैं, वो खत्म हो गए अभी। सुबह 7:30 से 3 बजे तक सर पूरी यही सौदा चलेगा। शाम को समोसे होते हैं, समोसे कचोरी होते हैं शाम को। सबसे ज़्यादा खास बात जो इतनी देर से मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हर पूरी आइडेंटिकल है, साइज में, सिकने में, फुलाई में, हर चीज़ में आपको ऑयल नहीं मिलेगा। सचिन जी जो है वो अपने काम में बिजी है, लेकिन हम फिर भी बात करते रहेंगे बीच बीच में। सचिन जी, ये जो कुछ बन रहा है जी सर, आपको बनाना भी आता है? कई बार ये बात कहता हूँ कि सही रेसिपी, खालिस इंग्रेडिएंट और आपका तजर्बा, साथ में नेक नियति, अगर ये 3-4 चीजें एक साथ मिल जाए तो आप 40 रुपए में एक प्लेट पूरी बेचकर भी घर अच्छा चला सकते हैं। ये मेरे सामने मिसाल है। दूसरी नस्ल काम कर रही है, पूरियों पे काम चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब्जी रिफिल होती रहती है। 4 सब्जियां हैं, ये सूखे आलू खत्म हो चुके हैं। एक छोटे से तो हमारे लिए बचा के रखिए, हम जरूर टेस्ट करेंगे। ये रोक दीजिए हमारे लिए। थैंक यू। संभाल के रख लीजिए तिजोरी में। अब काफ़ी तारुफ हो चुका इनसे, एक प्लेट हमारे लिए लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। मुझे अलग अलग दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, ये हमारी जो 70 रुपए की हो रही है। चलिए अंदर ही बैठते हैं, बड़ी गरम गरम। अलग अलग सब्जी थाली के रूप में जो आपको मिलेगी वो 70 रुपए की प्लेट मिलेगी, वैसे आपको 40 रुपए की प्लेट मिलेगी। सब्जियां मिक्स हो जाती हैं, पूरियां यही रहती हैं, ज़बरदस्त सी है। हमने कहा भाई हमें अलग अलग सब्जियां चाहिए, जब इस शक्ल में हमारे सामने आई है
तो ये 70 रुपए की हो गई है। आलू नीचे थोड़े से खुशक वाले जो आलू हैं ये ख़त्म हो चुके थे, थोड़े से बचे थे, मैंने कहा आप इसको सारे समेट दो और मुझे ज़रूर दे देना क्योंकि हर चीज़ चेक करेंगे ना यार। तो शुरुआत करते हैं पूरी से। अंदर उड़द की दाल की पिट्ठी भरी हुई है, बाहर से ये क्या खूब है यार सिकी हुई, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी ना बहुत भारी ना बहुत हल्की, एक मिड पॉइंट की पूरी है। और शुरुआत करेंगे हम आलू की सब्ज़ी से क्योंकि आलू और पूरी का जो कॉम्बिनेशन है वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो दिमाग में आएगा वो आएगा सादगी, सिंपलिसिटी। अगली सब्ज़ी लेते हैं चने की जो है, आखिर में इसको मिक्स भी करके खाएंगे। बिस्मिल्लाह, कमाल शुरू हो गए उन्होंने, छोले बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद तीसरी सब्ज़ी जो है वो इनकी है, कद्दू की सब्ज़ी। तीन मज़े एक प्लेट में आपको मिलेंगे। चौथी आलू खुश्क वाले भी हैं, इसको भी देखते हैं। ये थोड़ी स्वीटर साइड पे है। ये जो बचे कुछ आलू हमने इनसे ले लिए थे उसको देखते हैं। अभी खालिस खालिस निवाले एक एक चीज़ के चल रहे हैं, आखिर में इसको मिक्स कर देंगे। ये इनकी यूनिकनेस है, समझ आ गई। सबसे अच्छी जो लगी मुझे ये इस छोले के साथ लगी, बहुत सही जा रहा है इस पूरी के साथ। अम्बाला में है तो आज सुबह से यहाँ की चीज़ें खा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। शाम तक साथ रहेंगे, आप भी साथ रहिएगा। एक निवाला ऐसा बनाते हैं जो 40 रुपए वाली प्लेट है उनकी, उसमें सब मिक्स कर देते हैं। ये उसका मज़ा भी एक बार ज़रूर लेते हैं। निवाला बड़ा सा होना चाहिए। सबसे पहले आलू, फिर ये छोले, थोड़ा सा ये कद्दू की सब्जी डाल दें क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी है। और ये तीनों मिक्स होकर कैसी लगती हैं देखते हैं। अलग अलग चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो ये थाली लीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। छोले सबसे अच्छे हैं। एक पूरी मैंने खा ली, एक पूरी दुआ साहब खाएंगे जो हमारा कैमरा पकड़े हुए हैं। भाई पूरियाँ अच्छी थी, इनकी पूरियों के लिए हम 10 किलोमीटर दूर आए हैं, अम्बाला सिटी से, अम्बाला कैंट आए हैं। अभी इसी से थोड़ा आगे चल रहे हैं, लस्सी कोई खास मशहूर है, सरदार जी लस्सी वाले हैं, वहाँ चलते हैं लस्सी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं दुआ साहब हमें और कहाँ लेकर जा रहे हैं। 133 चौक है यहाँ पे, 144 पहले आप सही बात होगी, 144 चौक इतने से एरिया में, क्या बात कर रहे हैं। 12 रोड फलसफा शुरू हो गया यहाँ पे। कच्चे बाजार में है लाडा लस्सी, लाडा लस्सी बड़ा मशहूर, सरदार जी लस्सी के नाम से आज मशहूर है। लाडा जी जो है वो बोलता हुआ जा रहा है, बच्चा बहुत मशहूर है जी। कमलदीप सिंह, तो सिंह साहब आपकी लस्सी की तारीफ सुनी है, जरा चेहरा कराइए किधर है। बहुत सही सर, बनेगी अभी क्या फ्रेश? चलिए बड़ी मेहरबानी। चीज़ें शहर दर शहर जब आपके कानों तक पहुंचती हैं तो वो कुछ ना कुछ भारीपन रखती हैं। कमल जी कब से चल रहा है काम? 1947 से चल रहा है। दादाजी पाकिस्तान से आए थे। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान से? जेलम से। वहाँ भी यही काम होता था? हाँ जी, दूध का काम होता सारा। आपकी पढ़ाई? ग्रेजुएशन। क्या बात है, देखिए कुछ बातें हर जगह बार बार रिपीट करनी पड़ती है कि जब अपने पुरखों के काम को नई नस्ल तालीम हासिल करने के बाद आगे लेकर चलती है तो लाडा लस्सी मशहूर हो जाती है। तो हमें बनाकर दिखाइए सर। बिल्कुल सर। और उन्होंने लोड कर दिया फुल्ली मलाई के साथ। अब भाई साहब कितने का होता है ग्लास? 50 रुपए का। यार क्या होगा यार, इस देश से ज़्यादा सस्ता खाना दुनिया में कहीं ढूंढ के दिखा देना मुझे यार, हर चीज़। तो साहब ये मिला हमें फुल्ली ब्लेंड लस्सी का एक ग्लास, नस्लों का तजर्बा है इसमें। लाडा लस्सी कच्चा बाजार, हल्के से पी के चेक कर लीजिए। कुछ चीज़ें जबान पर रख के ही उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कितना समझा लेंगे आप किसी की किएगा एक लस्सी के बारे में, कितना बता देंगे आप? जितना आप सोच सकते हैं बस उतना ही मैं महसूस कर रहा हूँ। जबरदस्त 95 बनाने की टेक्निक है। पहले उन्होंने ढेर सारे दही को ब्लेंड कर दिया, उसके बाद उसके अंदर शक्कर डाली, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा दूध डाला, फिर वापस उस सबको निकाल लिया, फिर से ब्लेंडर में डाला। एक प्रोसेस है, ज़बरदस्त है। अच्छे प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके इंग्रेडिएंट्स खालिस हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ डेयरी का सौदा बड़ा अच्छा मिलता है। दूध दही घी मक्खन सब चीज़ें यहाँ जो है अपने असली चरम पे मिलती हैं। ये देसी घी क्या रुपए किलो आपका? 600 रुपए। अगर हमारा घर यहाँ आसपास होता तो हम घर ले जाते। लो जी पनीर टेस्ट करो। व्हाट इज दिस? अच्छा पनीर, पनीर की सॉफ्टनेस चेक करो।
मैं भी चाह रहा था कि लस्सी के बीच में कुछ नमकीन हो जाए ताकि लस्सी का मज़ा और बढ़ जाए। बहुत सॉफ्ट है, मसाला डाला है उन्होंने इसके ऊपर हल्का सा, इशारे में टूट रहा है भाई। बिस्मिल्लाह, पनीर नहीं लग रहा, मलाई लग रहा है। बहुत सॉफ्ट है यार, ये बहुत अच्छा है। मुँह ज़रा सा नमकीन हुआ, वापस लस्सी का मज़ा आएगा। बस एक ही लफ्ज़ आता है दिमाग में, खालिस। लस्सी का गिलास थोड़ा आराम आराम से पियेंगे, गिलास ख़त्म करके बात करते हैं। बड़े दिन के बाद इतनी करारी धूप मिली है। खैर, हलवाई बाजार में पहलवान कचौरी वाले के यहाँ आ चुके हैं। खस्ता कचौरियाँ मशहूर हैं, टिक्कियाँ भी तली जा रही हैं। ज़रा टिक्कियों और कचौरियों की थोड़ी सी मिजाज कुर्सी करते हैं, उसके बाद खा कर दे। दीपक, तुमसे तो बात करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है यार। नहीं नहीं, आ जाओ आगे, आ जाओ, कोई नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, आ जाओ। थैंक यू। स्पेशलिटी क्या है भैया? खस्ता कचौरी, टिक्की है भैया, समोसा है, गुलाब जामुन है। लोग दीवाने किस चीज के हैं तुम्हारे? खस्ता कचौरी भैया, इसी के दीवाने। दो प्लेट का लाऊं? टिक्की रोटी खाया यार, टाइम से जा। दीपक, दीपक दो मिनट दे दो। नहीं नहीं, दो मिनट आपके पास है। तो तुम्हारी ड्यूटी किससे कब तक होती है भैया? मैं एक्चुअली सुबह तो कॉलेज जाता हूँ। हाँ, मैं कॉलेज से आगे फिर शॉप। क्या पढ़ रहे हो? अभी मेरा लास्ट ईयर है इंग्लिश ऑनर्स। क्या बात है, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा लड़का है। शॉप की भैया टाइमिंग है कि सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक। कौन सा एरिया है? हलवाई बाजार। एक सवाल, जो कुछ बिक रहा है तुम्हें खुद बनाना आता है? मेरे को भैया ऐसे हर चीज तो नहीं आती, पापा को सब आता है। पापा को सब आता है, पापा से सीख लेना ये। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब हमें जल्दी से आप कचौरी खिला दीजिए। से चल रहा है और इतना आधुनिक कचौरी वाला पहली बार देख रहा हूँ। ये लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है, ऊपर इनका कारखाना है। फिलहाल हमारे हाथ में इनकी खस्ता कचौरी है। मैंने दीपक से पूछा, भाई तुम्हारे लोग दीवाने किस चीज़ के हैं? उन्होंने बताया, भैया हमारी खस्ता कचौरी खा लीजिए। तो मैंने कहा यार हम भी दीवाने हो जाएंगे, फिर क्या होगा यार, इतनी दूर से कौन आएगा बार बार। बहरहाल, तो हलवाई बाज़ार में पहलवान जी की ये कचौरी हमारे हाथ में है। अम्बाला कैंट में खड़े हैं, ये कचौरी खाकर देखते हैं। बहुत लोग इसके दीवाने यहाँ नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाह। असल में होता क्या है, कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि हर जगह का जो माहौल है वो आपको खाने में अपना पूरा पूरा रोल आपके सामने परोसता है। तो आबो हवा, वहाँ रहने वालों की नफ्सियात, लोगों का मिजाज, ये सब चीज़ें आपके खाने में मौजूद होती हैं। फ़िलहाल दीपक से बात हुई है, पढ़ रहा है लड़का इंग्लिश ऑनर्स, रोज़ दुकान पर आता है। चीज़ों को कितनी अलग तरीके से बनाया जा सकता है ये जब पता लगता है, या अपने शहर से दूर जाते हैं और नए खाने ट्राई करते हैं। कहने के लिए कचौरी है लेकिन इंटायरली डिफरेंट है, खुशबुएँ, जायके, टेक्सचर सब कुछ अलग है, अच्छा है। एक लास्ट बाइट और, तो आपने कहा आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं। हाँ जी। सबसे अच्छा क्या लगता है चैनल पे? चैनल पे जो आप मैरिजेस का दिखाते हैं ना, वेडिंग फूड ब्लॉग। क्या नाम है आपका? सरबजीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ी अंगारा जैसी टिक्की है, हमने सोचा भाई जब हम यहाँ तक आए हैं टिक्की को याद करते हुए आए हैं तो इनकी टिक्की भी खाकर देखते हैं। बहुत गर्म है तो साहब, टिक्के में भी इन्होंने सब्ज़ी डाल कर दी है, सब्ज़ी के ऊपर कुछ उन्होंने और चटनी भी डाल कर दी है। ये सब चीज़ें हर जगह का अलग ट्रेंड होती है। लाइए मुझे दे दीजिए। अरे लाइए दे दीजिए, अरे मैं फेंक दूँ। तो हर जगह का अलग ट्रेंड होता है, टिक्की खा कर देखते हैं। देखिए यहाँ लोग आते हैं इनकी खस्ता कचौरी खाने, लेकिन मेरी राय ली जाए तो टिक्की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। टिक्की ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब ये वक्त है कि एक मीठा अच्छा सा खाया जाए। हमने लस्सी पी, हमने कचौरी खाई, हमने टिक्की ली, बहुत कुछ मशहूर खाने जो अब तक इस कैमरा में आ चुके हैं। उसके बाद अब ज़रूरी है कि एक ट्रेडिशनल सा कोई मीठा खाया जाए। दुआ साहब ने रेकमेंड किया है तंदूरा बाज़ार में करोड़ीमल जलेबी वाला। कहते हैं कि पूरे अम्बाला का सबसे पुराना जलेबी का ये एक ख़ास ठिकाना है। बहुत छोटी सी दुकान है, वही सादे से सेटअप, हमारी गली कूचों में सेटअप सादे होते हैं, जायके बड़े गहरे। चलते हैं उधर।
विकास कुमार। तो हमने सुना है कि आप लोगों को 100 साल से मुंह मीठा करा रहे हैं अपनी जलेबियों से। सही बात, जैसे सब बनाते हैं वैसे ही आप बना रहे हैं। ऐसे ही है जी, सब ऊपर वाले की दया। क्या बात है, और भाइयों का आशीर्वाद है ये बात है। सीधी सी बात है, बाबा जी के टाइम की है जी। आपके दादाजी? दादाजी से भी ऊपर। अच्छा, चौथी पीढ़ी चल रही है जी। तो देखें आपके माहिर हाथ, कितना आपने बाप दादों का तजर्बा अपने हाथों में समेटे हैं। क्या टाइमिंग है विकास जी? सुबह लगभग 12 बजे से शुरू करते हैं सर, 12 बजे रात 10 बजे तक जलेबियाँ बनती रहती हैं और बिकती रहती हैं। थोड़ी रह गई हैं, अब दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं, खुद सारा काम जानते हैं भाई। वाह, हाथों की मूवमेंट ये बता देती है कि तजर्बेकार हाथ हैं। तो कुमार साहब, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बिटिया जो है जी मुलाना में पढ़ रही है जी, और बेटा मेडिकल ले रखे है उसने जे एन मॉडल में। क्या बात है, आपने मैदान मार लिया साहब, बहुत खूब। ट्रेडिशनल काम भी चलते रहे और नई नस्ल तालीम याफ्ता होती रहे। तो बच्चों को ये काम बेटे को सिखाया? सिखाएंगे तो है ही काम, तो ये बेटा करो कुछ भी लेकिन ये काम सीख लो बाप दादा का। अच्छा जी, देखते देखते ये जलेबियाँ सफ़ेद से गोल्डन हो गई, और इन जलेबियों को जब तला गया, इनकी ये ख्वाहिश हुई कि भाई अब आपने जितना तलना था तल लिया, अब हमें हमारा मीठा दे दीजिए। तो वहाँ से उठाया और इस मिठास में डाल दिया और ये जलेबी मीठी हो गई। ये है कहानी छोटी सी इस जलेबी की। तो ये गरम गरम जलेबी तकरीबन 100 साल पुरानी है, इसकी सेंचुरी होने जा रही है। अम्बाला में सबसे पुरानी जलेबी है। हम दिल्ली से आए तो हमें पता चला कि यहाँ हमें जलेबी खानी चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये ज़बरदस्त है, बहुत करारी, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, बेहतरीन। ये एक अच्छा मीठा है विकास जी, बहुत अच्छी है आपकी जलेबी, ज़बरदस्त है। जलेबी से फारिग होकर बात करते हैं, मुँह मीठा हो गया। अम्बाला में इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, ये अंदाज़ा नहीं था मुझे। मीठा खाया, तीखा खाया, जलेबी खाई, टिक्की खाई, बहुत कुछ खाया सुबह से, लेकिन ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे करंट के साथ भी कुछ परोसा जा सकता है। करंट वाले गोलगप्पे मशहूर हैं, गोल्डी साहब के बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि भाई ये कौन सा करंट है इनमें? करंट स्वाद का करंट है। स्वाद का करंट है भाई, तू ही कर ले ब्लॉग पहले। ये काय से बनाया आपने? ये मैदे सूजी के। मैदे सूजी के, लेकिन है करंट वाले? है करंट वाले। कितने वोल्ट का करंट है? 440 तो लगेगा। 440 तो लगेगा ही लगेगा। लगाइए साहब, करंट लगाइए आप। पता नहीं कैसा करंट लगाने वाले। ये क्या है? जीरा भुना हुआ। अलग अलग है क्या? आप खाए जाओ। मेरे मुताबिक ये जो गोलगप्पे होते हैं ये बड़ी गैर महज़ब चीज़ है खाने में, लेकिन फिर भी खाते हैं साहब। बिस्मिल्लाह, अभी 12 वोल्ट का लगा है बस, आप तो 220 तक भी नहीं पहुंच रहे। धनिया पुदीना, पता नहीं दाएं बाएं से अंदर से निकालते हैं, कुछ कटोरी में रखते हैं, नाम बता देते हैं, धनिया पुदीना। मेरे ख्याल में ये हमारा आखिरी करंट है, इसके बाद निलंगे करंट बहुत ज़्यादा है। आया निकल के, ये रिवायात है हमारी, पुरानी रिवायात चली आती है। कौन सा रहे जी? आया करंट, ये लीजिए सर, ये केवड़ा नींबू लौंग इलायची भाई, ये इनका फाइनल है। और यहाँ 440 वोल्ट अगर नहीं आए तो फिर मैं इनसे शिकायत करूँगा। 440 आएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है आओ। ये क्या था भाई? यही करंट है। बहुत तेज आदमी है, अपनी चीजें सस्टेन रिलीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बताया इन्होंने, आखिर में वाकई में उन्होंने करंट लगा दिया, पूरा मुंह बर्फीला हो गया। थैंक यू सो मच। जब किसी शहर को अच्छी तरह समझना होता है तो उसकी गलियों में पैदल घूमना चाहिए। जब बाजार बस्ती राम से हम दोनों गुजरे तो मुझे दुआ साहब ने बताया कि जो बेकरी आप देख रहे हैं यह मामूली नहीं है, शहर की सबसे पुरानी बेकरी है मल्होत्रा वैष्णो बेकरी। वैष्णो का नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे शायद अंडा भी यूज नहीं हो रहा है। अंदर चल के थोड़ा सी झलक देखते हैं, आइए। 30 साल से प्योर वैष्णो, इसका मतलब ये है कि अंडा भी यूज नहीं होता है? बिल्कुल, सब कुछ एगलेस है। बिल्कुल, सब एगलेस चल रहा है और बड़ा पुराना है। तो सनी, मैंने एमकॉम किया सर, कॉमर्स किया। कॉमर्स पढ़ के जब बेकरी चलाओगे तो क्या हाल होगा हमारा? सब कुछ अपने यहाँ बनता है? कहाँ बनता है? पीछे फैक्ट्री है सर। हम सनी से कहेंगे हमें एक झलक फैक्ट्री की भी दिखा दें अगर पॉसिबल हो। ये अलमारी खुली और इसके पीछे एक दरवाजा निकला, दरवाजे से अंदर हम जाते हैं। क्या ओवन है, क्या चीज़ है ये सनी? ये ओवन है, डीजल ओवन है। डीजल ओवन है? डीजल ओवन। सुबह से अम्बाला में इतना कुछ खा लिया है कि अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन चलते चलते एक खास समोसा बनता है, वो आपको दिखाना ज़रूरी है। तो इसी हलवाई बाज़ार में नत्थू स्वीट्स के अंदर मैं बेबाकी से घुस गया तो यहाँ देखा कि कुछ हरा हरा सामग्री जो है वो समोसे में भरी जा रही है। समोसे का साइज़ मंझला है, ना छोटा ना बड़ा, मीडियम है, आपको दिखाता हूँ। क्या भरते हैं जी? ये तो कुछ अलग ही मटेरियल लग रहा है, मटर दिख रही है और क्या है? अच्छा, पनीर है। क्या नई चीज़ें मिलती हैं, आप गली कूचों में घूमिए तो आपको पता लगेगा। मटर और पनीर भरा जा रहा है,
मेरे हथेली से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये समोसे का साइज़ कितना क्यूट सा है। ये समोसा अभी भरा जा रहा है, ये सामग्री एक बार तैयार हो गई होगी, उसके बाद ये फ्राई होगा और यहाँ आ जाएगा कदरदानों के हाथों में जाने के लिए। तो साहब ये नत्थू हलवाई जो हैं, इन्होंने समोसे की कुछ नई नस्ल निकाल ली है। सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका साइज, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो फिलिंग है वो मेरे लिए बहुत नई है। मटर तो सब समोसों में होती है किसी न किसी अंदाज से, इसमें पनीर के लंबे लंबे लच्छे काट के भर रखे हैं, लगभग नॉन स्पाइसी है, मटर और पनीर का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। तो सुबह से हम बाल है कि गलियों की सायके चुने और आप तक पहुँचाए हलवाई बाज़ार से इस छोटे से क्यूट से समोसे के साथ। मुझे यानी मोहम्मद याकूब अंबाला से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।